और आज बात करते हैं सबसे पहले अहम खबर की। मोदी सरकार 3.0 का आज पहला बजट आ गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। बजट में सरकार का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट की 20 बड़ी बातें क्या हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 crore। मोदी सरकार में भारत की आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। भारत 5 trillion इकोनॉमी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। विकास के नए पायदान, नए सपने गढ़ रहा है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा। इस बजट में 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया। किसान, युवा, महिला, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस नजर आया। बजट की खास बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बजट की 20 बड़ी बातें। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं, नई टैक्स रिजीम के तहत ही फायदा मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री, शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़, महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़, कृषि विकास के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़, 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन पर मदद, रोजगार कौशल विकास के लिए 5 स्कीम के पैकेज का ऐलान, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, मोबाइल फोन सस्ते हुए, कैंसर की 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6%। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्कीम। बजट में रेल बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र ने पूंजीगत व्यय को अंतरिम बजट 2024 में घोषित किए गए अनुसार ही रखा, इसलिए रेलवे क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। वहीं आम बजट 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा करने का ऐलान किया गया। सरकार ने 1 साल से कम के टेन्योर या होल्डिंग पीरियड के लिए टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है और जिन निवेशकों की शेयर होल्डिंग 1 साल यानी 12 महीने से ज्यादा है, उनके द्वारा शेयरों से हुई कमाई पर 12.5% का टैक्स लगेगा, जबकि पहले ये 10% था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।